नमस्कार। स्टेट मेल मुख्य खबरों के साथ मैं हंसराज वर्मा। जिला में जिन किसानों का खराब फसलों का मुआवजा आया है, उन किसानों को 28 फरवरी तक मुआवजा राशि देने के डीसी ने दिए निर्देश। खजूरी निवासी विनीत माजू हत्याकांड मामला, दो दिन तक विनीत की लाश को कार की डिग्गी में लेकर घूमते रहे हत्यारोपी। पुलिस ने गोरू व उसके साथी सुनील को लिया 3 दिन के रिमांड पर, संदीप की तलाश जारी। हरियाणा सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, जीटी रोड के दुकानदारों को भरना होगा 4500 रुपए वर्ग गज विकास शुल्क। उत्तराखंड में बरातियों से भरी जीप 300 मीटर गहरी खाई में गिरी, 14 बरातियों की मौत। फतेहाबाद नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन, गेट मीटिंग के दौरान नारेबाजी कर जताया रोष। हिसार में जिंदलपुर पर हादसा, बाइक सवार को पीछे से आए ट्रक ने मारी टक्कर, 7 रोड निवासी इलेक्ट्रीशियन की मौत। यमुनानगर में दो पक्षों के विवाद का मामला, पुलिस वालों पर गिरी गाज, एसपी ने एसएचओ के साथ एचसी और होमगार्ड को किया सस्पेंड। फतेहाबाद और हिसार में खत्म होने की ओर कोरोना संक्रमण, फतेहाबाद में मात्र 2 नए मामले, हिसार में भी राहत। कश्मीर के गुलमर्ग में कल से जबरदस्त स्नोफॉल का असर फतेहाबाद में, चली ठंडी व तेज हवाएं। हिमाचल की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, आग लगने से 6 महिलाएं जिंदा जली, 14 घायल, इनमें से 10 महिलाएं 80% तक झुलसी।